नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना सोही। अभी हाल ही में बिहार के मजदूरों की तमिलनाडु में जो हालत हो रही थी, वीडियो जो सामने आए थे कथित तौर पर, वो वीडियो वायरल हुए और उसके बाद जमकर विवाद हुआ। हालांकि शुरुआत से ही तमिलनाडु सरकार ये बोल रही थी कि ये वीडियो फर्जी हैं और इसकी जांच कराने के लिए नीतीश कुमार ने बाकायदा अधिकारियों की टीम भेजी और उसके बाद जब सर्वे हुआ, पूरी रिपोर्ट सामने आई तो वाकई ये वीडियो फर्जी निकले। लेकिन जिन्होंने इन वीडियोज़ को वायरल किया, जिन्होंने इन फेक वीडियोस को बनाया और उनका मकसद क्या था, ये जानने की जब कोशिश की गई तो यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम सामने आया, साथ ही उसके एक साथी युवराज का भी नाम सामने आया। उसके बाद ये भी जानकारी लगातार मिल रही थी कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शुरुआत में इसे एक बात कही जा रही थी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जो जानकारी मिली थी वो मनीष कश्यप के ही एक अकाउंट से मिली थी। हालांकि ट्विटर अकाउंट उसका ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन एक और नया ट्विटर अकाउंट बनाया गया जिसमें मनीष कश्यप को जो सन ऑफ बिहार के नाम से संबोधित किया गया और उसमें ये जानकारी दी गई कि उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कल बिहार पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से फेक है। साथ ही जगदीशपुर थाने में जाकर जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया तब इस बात का पूरी तरह से खुलासा हो पाया कि उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं थी और उसके बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है जगदीशपुर थाने में जाकर और उसके समर्थक इसको लेकर काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने थाने के बाहर जमकर विरोध किया उस गिरफ्तारी का भी। साथ ही अब मुश्किलें मनीष कश्यप की और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हालांकि पहले से उसके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है, 42 लाख रुपये जो कि उसके बैंक खाते में थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही अब तमिलनाडु पुलिस भी जल्द आने वाली है क्योंकि सरेंडर मनीष कश्यप ने कर दिया है और ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस उसको लेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या था, दोनों राज्यों के बीच आखिर वो टसल क्यों पैदा करना चाहता था। जो वीडियोज वायरल किए गए थे वाकई उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वो फेक वीडियोज हैं क्योंकि उसमें बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट साफ तौर से देखी जा रही थी और कुछ बिहारी मजदूरों के बयान भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, घर में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और उसके बाद से ही लगातार इसकी जांच चल रही थी। जांच में अब जो तमाम खुलासे हुए हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि पूरी तरह से ये वीडियो किसी मकसद से बनाए गए थे और साथ ही ये पूरी तरह से फर्जी वीडियोज थे। अब देखना यह होगा कि बिहार पुलिस के साथ साथ तमिलनाडु पुलिस किस तरह से मनीष कश्यप पर शिकंजा कसती है।